जैसा कि यहाँ पे देख के पता चलता है कि 1600 डॉल्स हैं यहाँ पे, 108 कंट्रीज से कलेक्शन हुआ है डॉल्स का और अवार्डेड बाय द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो परी ये है एनाबेल। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और देखते हैं डॉल्स म्यूजियम में है क्या। और ये है रोटरी डॉल्स म्यूजियम का टिकट चार्ज, अडल्ट 30 रुपीज, चिल्ड्रन 30 रुपीज, अब 5 इयर्स ओके। मोबाइल वीडियो फोटोग्राफी का 30 रुपीज है एंड यस प्रोफेशनल फोटोग्राफी का 100 रुपीज चार्ज है। मिनिमम ग्रुप ऑफ 40 पीपल होगा तब 20 रुपीज चार्ज लगेगा और NRI फॉरेन सिटीजन के लिए 100 रुपीज। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से एंटर होते ही ये कुछ क्रिएटिव चीजें हमें रोटरी हम्बर पॉट ये सब दिख रहा है क्रिएटिविटी यहाँ पे भी देखिए। और ये रोटरी डॉल्स म्यूजियम सेकंड फ्लोर पर है। अभी हम लोग आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे, यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा और यहाँ से आपका एंट्रेंस रहेगा और ये म्यूजियम मंडे क्लोज रहता है। मुझे शूट कर रहे हो या टाइम दोनों? अच्छा, ये म्यूजियम मंडे क्लोज रहता है और इसकी बाकी के दिनों की टाइमिंग ट्यूजडे से संडे टाइमिंग रहती है। सुबह के 9:30 से 1 बजे तक खुला रहता है और शाम के 3:30 से 8 बजे तक खुला रहता है। ये सिनेमा थिएटर है, इसमें 15 मिनट की मूवी गुजराती में चलती है और डॉल्स म्यूजियम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तमाम देशों में आवेदी 1500 जेटली टिकटों में संग्रह आ लॉटरी डॉल्स म्यूजियम में करवा मांगे छे। इसका इनॉग्रेशन 24 जुलाई 2004 को लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 20,000 बच्चों के प्रेजेंस में किया था। लो परी ये है एनाबेल। परी परी एनाबेल देखनी है? ये एनाबेल है, देख लो। एनाबेल यही है एनाबेल। ये है हाँ। काफी कुछ आइटम मिलते हैं तो यहाँ से परी ने अपने लिए ये पेंसिल ले ली। इसका टैगलाइन है डिस्कवर दुनिया। इनोवेशन किया है इसका तो पूरी दुनिया को डिस्कवर करके 102 कंट्रीज से करीबन 1000 प्लस डॉल्स इस म्यूजियम में है। सारी कंट्रीज के लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया, अपने कल्चर के लिए स्पेशल डॉल्स बनाई। ये राजकोट नागरिक सहकारी बैंक ने अपना 9000 प्लस स्क्वायर फीट प्लेस इस डॉल्स म्यूजियम बनाने के लिए डोनेट किया हुआ है, जिस पर ये सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पर ये डॉल्स म्यूजियम इस्टेब्लिश हुआ है और इनिशियली इसको श्री अरविंद भाई जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। ये हम
हांगकांग का है, हांगकांग की कल्चर ये बताया गया है। एशिया कैलिफोर्निया वर्जीनिया का है और इसमें डोनर्स के नाम भी दिए हुए हैं। तो लोगों ने यहाँ पे अपना फीडबैक भी दिया, जो चुटकी लगाई हुई है काफ़ी अच्छा, मतलब जो लोगों का फीडबैक, ब्यूटीफुल डॉल्स, वेरी गुड कलेक्शन, इट वॉज अ वेरी फाइन एंड नाइस प्लेस, आई जस्ट वी एंजॉय दिस प्लेस डॉल्स, और फीडबैक रजिस्टर्स भी है, रजिस्टर भी है, इसमें मैंने भी अपना फीडबैक दिया हुआ है। मैंने कहा कि भाई वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ डॉल, ऑल मस्ट विजिट दिस यूनिक म्यूजियम ऑफ गुजरात स्टेट। आपको बता दें इस म्यूजियम में फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं। इसमें बहुत अच्छा कोट भी लिख रखा है यहाँ पर, इट माइट नॉट बी एबल टू चेंज द यूनिवर्स, इट माइट नॉट बी एबल टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, बट इट सर्टेनली कैन मेक अ डिफरेंस हियर, योर ओपिनियन मैटर्स। मतलब दैट मीन्स डॉल्स म्यूजियम इज स्टिल रेडी टू एक्सेप्ट योर ओपिनियन, इफ यू गिव एनी वर्थफुल ओपिनियन दे विल एक्सेप्ट ऑल्सो। सारी कंट्रीज के फ्लैग्स हैं लगे हुए हैं यहाँ पर। A flag is a necessity of all nations. Millions have died for it. Mahatma Gandhi. हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा इंग्लैंड का कल्चर है। ये यहाँ पे चार इन्फो कियोस्क हैं जिस पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कंप्यूटराइज। ये अपना फेस मिरर में देख रही है। यहाँ पे आपको हर तरह की डॉल मिलेगी, वूल की, वुड की, मेटल की, हर तरह की।
जब से ना मैंने देखी है ना तब से डॉल्स डरावनी लगने लगी। सो गाइस ये था हमारा वीडियो राजकोट के डॉल्स म्यूजियम पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।